उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन विधायी कार्य के साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आए। सबसे पहले विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और भर्ती घोटाला और गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सदन में खूब हंगामा किया। इस दौरान सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का हंगामा देखा गया। बताया जा रहा है कि कुछ सदस्यों ने टेबल भी तोड़ दी और रूल बुक भी फाड़ दी, जिसके चलते 15 विधायकों को एक दिन के लिए सत्र से निलंबित कर दिया गया। वह लंच ब्रेक के बाद भी कांग्रेस विधायकों ने सदन में खूब हंगामा किया। विपक्ष के रवैया से नाराज स्पीकर सदन की कार्यवाही से उठकर चली गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा मंगलवार को स्पीकर और कांग्रेस विधायकों के बीच टकराव और गतिरोध की गवाह बनी। विपक्षी सदस्यों के रवैये से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने सदन में हंगामा करने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के 15 विधायकों को सत्र की कार्यवाही से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। देखिए, आई थिंक आप सब लोगों ने देखा भी होगा, आज जो अवहेलना का इन्होंने वो किया था, उस पे निर्णय आया था, सरकार के माध्यम से निर्णय आया था और सब कुछ न्यायालय में चल रहा है, केस को न्यायालय भेज दिया गया है और उसमें बहुत ज्यादा मेरा कुछ भी कहना सही नहीं था। और जिस तरह से जो मुझे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी और सभी विधायक उग्र हो गए। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए, कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं, हर तरह की भाषा वहाँ इस्तेमाल हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें सदन में नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो निलंबन के बाद भी कांग्रेस सदस्यों ने सदन नहीं छोड़ा और वे वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। हंगामे और शोर शराबे के बीच स्पीकर को 7 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वेल में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक ने माइक तोड़ दिया। इस दौरान स्पीकर पर एक रिपोर्ट फेंकी गई जिससे वो बाल बाल बची। हल्ले गुल्ले के बीच राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया, चर्चा हुई और इसे पारित कर दिया गया। गतिरोध खत्म करने के लिए स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रयास किए लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाए। वही जसपुर के विधायक आदेश चौहान के विशेषाधिकार हनन के मामले में सरकार की रिपोर्ट पर जब स्पीकर ने प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो कांग्रेस विधायक भड़क गए और उन्होंने वेल में आकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और फुरकान अहमद विस प्रभारी सचिव की टेबल पर चढ़ गए। विपक्षी सदस्यों ने पीठ की ओर कागज के पर्चे फेंके। इससे गुस्साई स्पीकर ने निर्देश दिए कि दोनों सदस्यों को सदन से बाहर ले जाया जाए। इस पर कांग्रेस विधायक भी भड़क गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, टेबल जोर जोर से पीटने लगे। कांग्रेस विधायकों के इस रवैये से नाराज स्पीकर ने सभी सदस्यों के एक दिन के लिए निलंबित करने के आदेश दे दिए और सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3 बजे तक स्थगित कर दिया। गुस्साई कांग्रेस विधायकों ने भी वेल में ही आसन जमा लिया। निलंबित हुए विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह ने बाद में मीडिया के सामने कांग्रेस का पक्ष रखा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको हम सदन के अंदर उठाना चाहते थे। सदन सुचारू रूप से चल रहा था और एकाएक जो है विशेषाधिकार हनन को जब रखा गया, उस पर जब अनंतिम बात कही जा रही थी, तो जब कुछ बातें ऐसी आई जिन बातों के परिप्रेक्ष्य में विपक्ष अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। हम पीठ से ये अपेक्षा करते थे कि हम विपक्ष के विधायक हैं, पीठ निश्चित रूप से हमको संरक्षण देने का काम करेगी, तो जो संरक्षण मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। आज हम जनहित के मुद्दे उठाना चाहते थे, उस उन मुद्दों का जवाब सरकार के पास नहीं था, इसलिए षड्यंत्र रचा गया। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भाई विधानसभा भर्तियों का जो खेल हुआ उसकी भी नूरा कुश्ती आज सदन कंध दिखाई दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।